देवभूमि हिमाचल, जहाँ के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। इन देवी देवताओं के मंदिर अपने अंदर भारत के इतिहास और भक्तों की आस्था को समेटे हुए हैं। ऐसा ही मंडी महुना का मंदिर है, जो कि जिला मंडी की तहसील कुसोग में स्थित है। मूल महुनाग मंदिर कुसोग से 37 किलोमीटर और शिमला से बाया तातापानी 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मूल महुना का मुख्य मंदिर बखारी कोठी ग्राम पंचायत सभा माहू तहसील कुसोग में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रमेश वर्मा। आज हूं मैं मूल महुनाग में, मेरे सामने मंदिर है। आज हम इस वीडियो में मूल महुनाग की उत्पत्ति और मान्यता के बारे में जानेंगे। महुनाग को दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। देव बड़योगी महुनाग के गुरु माने जाते हैं। मंदिर पहाड़ी वास्तुकला की शैली को प्रदर्शित करता है। यदि ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर विश्वास करें तो यह मंदिर 1664 में राजा श्याम सेन द्वारा निर्मित किया गया था। यहां महुनाग देवता को दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। महुनाग की उत्पत्ति यहां के एक गांव शेंदल में हुई थी। जब एक किसान खेत में हल जोत रहा था तो अचानक एक जगह आकर हल जमीन में अटक गया। किसान के बहुत प्रयत्न करने पर भी जब हल बाहर नहीं निकला तो मिट्टी हटाकर देखा गया, तब पता चला कि यहां एक मोहरा यानी पत्थर की मूर्ति जमीदोज है। इसे बाहर निकालने का प्रयास हुआ, मगर जैसे ही मोहरा बाहर आया तो वहां से उड़ गया और बखारी में स्थापित हो गया। यह घटना सदियों पुरानी है, जो कि एक अलिखित इतिहास का हिस्सा है तथा जनश्रुति पर आधारित है। मूल महुना के बारे में माना जाता है कि एक बार सुकेत के राजा श्याम सेन को मुगल बादशाह औरंगजेब ने छल से दिल्ली में कैद कर लिया। वह सुकेत को अपने राज्य के अधीन करना चाहता था। सुकेत के राजा श्याम सेन ने कैद से मुक्ति पाने के लिए कई देवी देवताओं को याद किया, लेकिन कैद से निकल नहीं पाए। तब राजा ने नागराज कर्ण का स्मरण किया। महुनाग ने राजा को मधुमक्खी के रूप में दर्शन दिए और जल्दी ही कैद से छूटने की बात कही। राजा ने कहा कि अगर वह कैद से मुक्त हो जाएगा तो वह अपना आधा राज्य राजा कर्ण महुनाग को समर्पित कर देगा। इसके बाद मुगल सम्राट को शतरंज खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उसे खेलने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं मिला। तब उसने राजा श्याम सेन को खेलने के लिए कैद से मुक्त किया। उस दिन राजा श्याम सेन शतरंज में जीतता गया और अंत में उसने अपने मुक्त होने की बाजी भी जीत ली। अपने वचन के अनुसार राजा ने महुना को अपना आधा राज्य और 400 रुपए नगद चांदी हर साल नजराना देना तय किया। किंतु महुनाग ने इतना बड़ा क्षेत्र नहीं लिया, केवल महुना क्षेत्र का सीमित भूभाग ही लिया। महुनाग स्वर्ण दान तो करते हैं पर स्वर्ण श्रृंगार नहीं करते। मूल महुनाग मंदिर में 1.25 किलो सोने का मेहरा है और चांदी के 8 छत्र हैं। चैत्र मास के नवरात्रों में हर साल लगभग 1 मास की रथ यात्रा महुनाग सुंदरनगर क्षेत्र के लोक कल्याण हेतु करते हैं, जिसमें देवता का रथ, गुर, पुजारी, मेहते, कारदार, बजंत्री और श्रद्धालु साथ चलते हैं। ज्येष्ठ मास की संक्रांति से 5 दिवसीय मेला बागड़दड़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।